37. पे 93.8, आपस में बातें बस कर, पे 93.8। अच्छा जी, आज हम एक ऐसी चीज पढ़ने लगे हैं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन देकर फारिग हो गया, और एम्प्लॉय ने उस लोन को किसी ऐसे मकसद में इस्तेमाल कर लिया जहां से एम्प्लॉय इनकम कमाए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया और एम्प्लॉय ने किसी ऐसी जगह उस लोन को इस्तेमाल कर लिया जहां से एम्प्लॉय क्या कमाए, इनकम कमाए। पॉइंट एट, अगले सफे पे इसकी एग्जांपल है, वो निकालें। अच्छा, वो न्यूमेरिकल हमारा रहता था, सॉरी, वो एक दो लाइनें रहती थी, वो कर लें जरा। पेज 129, अच्छा भाई, ये जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं, ये संडे को रात को सोते हुए या फिर मंडे की सुबह फजर में टाइम चेक कर लिया करें जूम मीटिंग का, और जो भी डिस्कशन है वो जूम मीटिंग में मेरे साथ आके करें। अगर आप ग्रुप में टीएस के साथ कोई डिस्कशन करेंगे तो किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ की तरफ बात मूव नहीं करेगी, और ऐसे ही आप टाइम ज़ाया कर रहे होंगे और ग्रुप के अंदर बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो आप जूम मीटिंग में आके जो भी डिस्कशन है वहाँ पर करें, और बाकी चीज़ें, सिलेबस को किस पेज से लेके चलना है, टेस्ट कब लेने हैं, क्या करना है, वो सारा टीचर को पता है, क्योंकि उसको पता है सिलेबस कितना है और उसको आगे कितने दिनों में खत्म कराना है। तो जो भी चीज़ें आप मेरे से डिस्कस करेंगे फ़ायदा होगा, अगर वो किसी से डिस्कस करेंगे आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे होंगे और ऐसे ही बैठ के हाइपर हो रहे होंगे। ओके, पढ़ें जी। आई यूज्ड कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूज। अच्छा जी, यूज्ड कंपनी मेंटेन कार है बिजनेस यूज के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी। वो कौन सी वाली गाड़ी थी? रेड वाली गाड़ी थी। ओके, दिस कार, वही कार, यही रेड वाली। दिस कार वॉज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन जकम जुलाई 2004 इन रिप्लेसमेंट ऑफ हिज प्रीवियस कार। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई बंदा इधर उधर की बातें करेगा उसे ग्रुप में मदद कर दी जाएगी, आप डिस्कशन ना करो, आपने करनी है करें, लेकिन उधर फायदा कोई नहीं होगा, इसलिए जो भी डिस्कशन करनी है वो इधर आके किया करें जूम मीटिंग में। अच्छा जी, दिस कार वॉज परचेस्ड, ये कार खरीदी गई थी 3 years ago एट अ प्राइस ऑफ ₹1 million। ये 1,00,000 की खरीदी गई थी। अच्छा, मुझे बताएं खरीदी हुई गाड़ी की कॉस्ट लेते हैं या फेयर वैल्यू लेते हैं? कॉस्ट लेते हैं। हाउएवर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन यकम जुलाई 2004 वॉज 8 lakh। ऑन यकम सितंबर 2004, यकम सितंबर 2004 को, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो पुरानी गाड़ी की बात खत्म होगी जिसमें 8 lakh मैंने लगा दिया था। यकम सितंबर 2004 को, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, AEL ने ट्रांसफर, एक ही जगह बना दो यार, AEL ने ट्रांसफर कर दिया, और तो एक ही जगह बना दो, ब्लू शर्ट एक ही जगह बना दो, हाँ बस जुदा कर जी, ब्लू शर्ट आप भी इधर हो जाए, बैग उस साइड पर रख देना, जगह खाली है, बैग उस साइड पर रख दो, जगह खाली है, आगे रख दो, पिछली रो में रख दो। अच्छा, तो हाउएवर द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 8 lakh ऑन यकम सितंबर 2004 इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, AEL ने ट्रांसफर कर दी पुरानी गाड़ी टू मुकरम एट 2 lakh, ट्रांसफर कर दी एट बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू को बुक वैल्यू होने की वजह से लेना है या बुक वैल्यू को जो है वो आपने अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर होने की वजह से लेना है? ओके, ऑन यकम जून 2005 मुकरम सोल्ड दिस कार टू हिज नेबर एट अ प्राइस ऑफ 3.5 lakh, और मुकरम ने ये गाड़ी अपने जानने वाले नेबर को बेच दी, कितने की? 3.5 lakh की। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपने गाड़ी नेबर को बेच दी 3.5 lakh की, तो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर जो पहला सवाल किया था मिस्टर कासिम वाला, ये किताब का पेज था 229, तो उसमें आपको याद होगा, निकालने की जरूरत नहीं, कार ऑफ सन बेची थी, सूरज की गाड़ी मैंने बोला था शायद, तो डिस्पोजल ऑफ कार ऑफ सन इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इफ कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो कार का बेचना किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगा। इसलिए मुझे बताएं इस गाड़ी के बेचने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये किसी हेड ऑफ इनकम में जाएगी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। इसलिए इनकम फ्रॉम सैलरी का जरा मुझे टोटल करवा दें, इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल करवा दें, कितना? 3,4,28,000। और अगर आपने ये जो गाड़ी का बेचना भी शो करना है, डिस्पोजल ऑफ कार, तो फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की हेडिंग देके नॉट अ कैपिटल एसेट, 0। तो कैपिटल गेन में कुछ ऐड नहीं होगा, सैलरी में ऐड होगा। अच्छे बच्चे हैं वो जिनको कहा था कल से टाइम पे आया करें, और आज टाइम पे आए हैं, और ज्यादा अच्छे बनने की सारे कोशिश करें। ओके,
जी वली भाई आपने हाथ खड़ा किया था, अच्छे बच्चे आप, अच्छा इसलिए। ओके आगे चलें, ये आपके साथ वाले कितने दिनों बाद आए हैं? 2 दिनों बाद, 3 दिनों बाद, जरा हाथ के इशारे से बता दो भाई जान। आप लोग ना देखें, मैं बता दूंगा कौन बच्चा क्लास से निकल के, आप लोग शर्मा रहे हैं। अच्छा चलें जी वापस आ जाएं जिथे दी। अंग्रेजों का कोई मुहावरा बता दें, मैं बोल दिया करूंगा अगर आपको पंजाबी मुहावरे अच्छे नहीं लगते। बैक टू पवेलियन, नहीं ये तो मुनासिब नहीं है। कोई अंग्रेजों ने ऐसा मुहावरा बनाया हुआ तो बता दें आप, कल ढूंढ के मुझे। बिल्कुल इसी तरह का, जिथे दी खोती होते आन खलोती वाला। ओके पॉइंट एट, अब अंग्रेजों ने नहीं बनाया तो हम फिर अपने तो चलाए ना। पेज 93। तो अब मोहतरम सवाल ये राइज हुआ है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है, पेज 93 पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, लेकिन बाद में एम्प्लॉय ने उस लोन को इस्तेमाल कर लिया कोई इनकम कमाने के लिए। इसको मैं कहूँगा एम्प्लॉय ने एक अच्छी एक्टिविटी की है और एम्प्लॉय ने इनकम कमाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। उनकी अजमत को सलाम जिन्होंने पिछले टेस्ट में 24 में से 24 मार्क्स लिए हैं, और नहायत ही खुशकिस्मत है आप अगर उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने 24 साढ़े 23 या 23 मार्क्स लिए हैं, और उनका एहसान है आपके ऊपर कि वो आपके साथ बैठे हैं। अच्छा जी, मिस्टर आसिम हैज़ ऑब्टेन्ड अ लोन। आसिम ने लोन ऑब्टेन किया, नहीं पूरी रो में कोई भी नहीं आपकी, पिछली रो में है कोई। मिस्टर आसिम हैज़ ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 16 लाख। आसिम ने 16 लाख रुपए का लोन लिया है फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन 1 फरवरी 2013 फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग अ शॉप फॉर हिज बिजनेस। इससे पहले हम जितने सवाल कर रहे थे उसमें हम ये नहीं बता रहे थे कि एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को लोन दिया, एम्प्लॉय लोन को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस सवाल के अंदर सवाल ने बताया हुआ है कि एम्प्लॉय लोन किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले। तो एम्प्लॉय ने लोन को किस नेक मकसद में इस्तेमाल किया? दुकान खोलने के लिए। द इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर ऑन दिस लोन इज 4% पर एनम। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कितना लोन ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है 4%, यानी एम्प्लॉय कितना इंटरेस्ट दे रहा है 4%, कितनी सेविंग हो रही है 6%। ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग टैक्स ईयर 2013। उसने टैक्स ईयर 2013 की मद में आपको ये डिटेल शेयर की है। ओके नाउ जो डिटेल आ रही है अगर आप उसमें देखें तो बिजनेस इनकम में सेल कितनी आ रही है जी 12 लाख। आप जो मिटा रहे हैं, जो मैं मिटा रहा हूँ वो देख रहे हैं, ऊपर सवाल पड़ रहे हैं, हद हो गई। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम बिजनेस कितने ऊपर बताएं जी 12 लाख। खर्चे कितने हैं बिजनेस के 3 लाख। बेसिक सैलरी कितनी है और हाउस एंड अलाउंस कितने हैं? चलें जी शुरू करें। इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी बोलें 50,000 जरा 12, 6 लाख। हाउस रेंट अलाउंस बोलें 30,000 जरा 12, 3,60,000। इंटरेस्ट बेनिफिट लोन की अमाउंट 16 लाख। ओ भाई 16 लाख यार, लोन की अमाउंट 16 लाख। क्या लोन 10 लाख से ज्यादा है? तो 16 लाख जरा कितनी परसेंट सेविंग? 6% सेविंग। बेंचमार्क रेट कितना है? एंड एम्प्लॉय पे कितना कर रहा है? एम्प्लॉय सेव कितना कर रहा है? बचत ऐड होगी ना, इनटू 5/12, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन किस दिन दिया? ये कम फरवरी 13 को। जी जवाब बताएं 40,000। चलो जी इनकम फ्रॉम सैलरी बता दो कितनी आई है एग्जैक्ट। चलेंगे ये कौन सी इनकम हो गई? इनकम फ्रॉम सैलरी। आप कौन सी इनकम कैलकुलेट करनी है? इनकम फ्रॉम बिजनेस जी। रेवेन्यू कितना? 12 लाख लेस खर्चे ये कितने? 3 लाख खर्चे। अच्छा जी अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये बैग उधर को थोड़ा इधर हो, बैग उधर, आप भी इधर हो जाओ, बैग उधर रख दो। अच्छा जी अब मोहतरम एक सवाल अराइज होगा, सवाल ये अराइज होगा कि ये जो इंटरेस्ट है इसका डबल इफेक्ट होगा। डबल इफेक्ट क्या होगा? एक तो सैलरी में इसको बचत के तौर पे मैंने ऐड कर दिया, दूसरा सोचें अगर ये एम्प्लॉय जो है वो इसने दुकान खोलनी होती और एम्प्लॉयर से लोन ना लेता तो क्या बाजार से भी लोन ले सकता था कहीं से? अगर बाजार से लोन लेता तो बाजार में लोन के ऊपर क्या पे करता? नोट ना करो अभी, बाजार में लोन पे क्या पे करता? इंटरेस्ट। जब ये बाजार में लोन पे इंटरेस्ट पे करता तो इंटरेस्ट इसके बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा होता। जब इंटरेस्ट इसके बिजनेस का नॉर्मल खर्चा होता तो खर्चों के तौर पर इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत मिल जाती इसको। तो अभी इसने एम्प्लॉयर से लोन लेकर इंटरेस्ट पे करा है या बैंक से लोन लेकर इंटरेस्ट पे करा है? अब लॉ मेकर कहते हैं चाहे आप बैंक से लोन लेकर इंटरेस्ट पे करो चाहे एम्प्लॉयर से लोन लेकर इंटरेस्ट पे करो, हम आपको खर्चे के तौर पर इंटरेस्ट माइनस करने की
खुली इजाजत देंगे। तो अब इंटरेस्ट का यहां डबल इफेक्ट होगा, एक तो बचत की वजह से सैलरी में ऐड हो गया, वो पुरानी बात है इसलिए उसको मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा, ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है। नई बात आज मैं रेड मार्कर से करने लगा हूं, लेस इंटर, अभी नोट नहीं करना, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा जी, लोन कितने हैं? 16 लाख। एम्प्लॉय पे कितना कर रहा है? 4%। लेकिन लॉ मेकर इतना खुश है कि खर्चे को बढ़ाने लगे ताकि आपका प्रॉफिट कम आए और टैक्स कम बने। क्यों लॉ मेकर खुश है? कहते हैं लोग लोन लेके जाया कर देते हैं, घरों में अपनी फजूल खर्चियों में, याशियों में उड़ा देते हैं। आप इतने नेक बंदे हो कि लोन लेके बिजनेस इनकम कमा के उस पर भी हमें टैक्स जमा करा रहे हो, हम आपसे बहुत खुश हैं। आप माना कि आप 4% इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हम एज्यूम करेंगे आप मार्केट रेट यानी बेंचमार्क रेट पे कर रहे हो, हम बड़े खुश हैं आपसे, हम आपका खर्चा बढ़ाने लगे हैं। इंटू 5/12। जी 1/6 आपने भूल गए थे। अच्छा, आप सबटोटल कितना आ गया? सबटोटल कितना आ गया? मुझे दे दो कैलकुलेटर, मैं तंज कर रहा हूं। जी 833333। अम्मी ने कहा मैं खुद ही धो लेती हूं बर्तन। जी अम्मी आ जाए, चले नोट करें। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे और एम्प्लॉय उस लोन को नेक काम में इस्तेमाल कर ले, नेक काम से मरा दिया कि बिजनेस करने लग जाए और कोई एक्टिविटी करने लग जाए, तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को ये इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत बोले होगी। किस रेट पे? बेंचमार्क रेट पे। जी भाई कितने दिनों बताए हो? कितने? 4 दिनों बाद। मेहरबानी, आपने नोट कर लिया? बड़ा जबरदस्त काम यार, ये नजर रखा करो गली अपने। और आपने माशाल्लाह, आपने तो अच्छा, गुड, जल्दी करो। आपने अच्छा, साथ साथ नोट जरूर करें। अब्दुल रहमान अच्छा नोट कर लिया आपने? असल में बेंचमार्क रेट पे जब माइनस करेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इससे प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, ये फायदा होगा। सबर कर जाओ, छुरी थले साल है और पता नहीं अंग्रेजों ने क्या मुहावरा बनाया हुआ है। बहरहाल ओके, चलें जी आगे पढ़ लें इस पॉइंट को। टोटल आप खुद ही कर दीजिएगा, 1,833333 को अकेले में बैठ के घर में टोटल कर लीजिएगा। कभी अकेले में बैठ के अपने से भी बातें किया करें, मैं कहां जा रहा हूं और कहां जाना चाहिए था। पॉइंट 8, वेयर एम्प्लॉय यूजेस अ लोन, जहां एम्प्लॉय क्या क्या इस्तेमाल करे लोन को, किससे लिया है? एम्प्लॉयर से। किस मकसद के लिए इस्तेमाल करे? एसेट या प्रॉपर्टी बनाए जो क्या कमाए, इधर देखें, खरीदे क्या मज, वो दे क्या दूध। ट्राई टू अंडरस्टैंड डीप डाउन कॉन्सेप्ट, खरीदे क्या एसेट, वो पैदा क्या करे इनकम। सो इट विल बी अज्यूम दैट एम्प्लॉय हैज पेड इंटरेस्ट इक्वल टू, एज्यूम किया जाएगा एम्प्लॉय ने बेंचमार्क रेट पर इंटरेस्ट पे किया है। वो वाली कैलकुलेशन सैलरी वाली अपनी तरह करनी है, वो कल जैसे सीखी थी वो पहले उसी तरह करनी है, सैलरी वाली कैलकुलेशन नहीं छेड़ना। लेकिन बिजनेस वाली कैलकुलेशन में जब आप खर्चा माइनस कर रहे होंगे तो खर्चा कितना माइनस करना है? जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या जो बेंचमार्क रेट है? जो बेंचमार्क रेट है। नींद पूरी करके आया कर यार। अच्छा अच्छा भाई, इसमें ना मल्टीपल सिनेरियोस बन सकते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ था? 4%। हमने सैलरी में कितना डाला था और इधर कितना माइनस किया था? 10%। सवाल में कितना एम्प्लॉयर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था? 4%। एम्प्लॉय कितना इंटरेस्ट पे कर रहा था? 6%। कहां से आ गया? होश के नाखून लो, पहले सवाल सुना करो फिर जवाब दिया करो। एम्प्लॉयर जो है वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था? 4%। एम्प्लॉय कितना पे कर रहा था? 4%। बचत कितनी थी? कैसे निकली? 10-4 करके। और इधर कितना माइनस किया? अगर बिल फर्ज इधर होता 1%, एम्प्लॉय पे कर रहा होता 1%, तो बचत कितनी होती? यहां तो स्टिल आपने क्या माइनस करना है? बेंचमार्क रेट, जो पिछले सफे पे पढ़ के आए हैं। अगर एम्प्लॉय पे कर रहा होता 0%, तो बचत कितनी हो रही होती?
10%, यहां तो कितना माइनस करना है 10%, अगर एम्प्लॉय पे कर रहा होता 3% तो बचत कितनी हो रही होती 7%, यहां तो स्टिल कितना माइनस करना है 10%, अगर एम्प्लॉय पे कर रहा होता 12%, तो कल मैंने आपको बताया था बचत कितनी हो रही है 0%. अब सैलरी में कुछ ऐड नहीं करना, मैंने आपको बताया था, मुझे याद है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, मुझे याद है, वो सैलरी में कितना ऐड करना है 0%. लेकिन अब यहां पे ना लॉ खामोश है, यहां पे क्या करें. तो यहां पे फिर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, जो आईकैप ने किताब में अपनी बात लिखी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं. हो सकता है वो आईकैप की राय सही हो सकता है ना सही हो, हमें क्या. बहरहाल आईकैप ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि फिर यहां पूरा 12% माइनस कर दें. बस राय है, जो आईकैप की किताब बना रहा था उस बंदे की जाती राय होगी, लॉ में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई. तो ऐसी सूरत में अगर एम्प्लॉई बेंचमार्क रेट से भी ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है तो फिर माइनस पूरा कर दें, शायद उसको रिलैक्स करें एम्प्लॉई को, क्योंकि वो पहले ही बेचारा 12% पे कर रहा है, तो 12% उसको माइनस करने दें ताकि उसके प्रॉफिट कम हो जाए और उसे टैक्स कम देना पड़े. कल तक कर लेंगे नोट. ये कहां पे नोट करेंगे? इसी के सामने, जहां जहां मैंने नोट किया. ओ भाई जान, इधर भी जगह है छोटी छोटी बना के, और छोटी छोटी बना के इधर भी जगह है, हाथ धो गई. अच्छा पहले मुझे बताएं, ये क्या है स्काई ब्लू में एम्प्लॉय पे कर रहा है, ये ग्रीन में क्या है जितना सैलरी में ऐड करना है, ये येलो में क्या है जितना बिजनेस में लेस करना है. यूं बनाना नहीं है, मतलब पता है क्या मेरी बात का, इधर देखें सारे, मतलब ये कि जहां ये 4% किताब में लिखा हुआ है वहां आप ये 4 लिखें, इस 6 के सामने 6 लिखें, इस 10 के सामने 10 लिखें, इसी रिदम पे चीजों को लिखें. और समझ आई? नाउ यू पीपल गॉट द पॉइंट. ओए लेवल्स, एफएससी, इंग्लिश मीडियम. बहुत हिम्मत की आपने आज टाइम पे आने की, माशाल्लाह. आज आप 9:17:18 पे आ गए. क्या लेवल होगा जब आप कल 9:14 पे क्लास में एंटर हो जाओगे? जी लेट छोड़ते हैं तो आप हल्का फुल्का जरा थोड़ा बोलने लग जाएगा, अगली क्लास में 14 लगी है, कल से हल्का फुल्का जरा उनको रिक्वेस्ट कर लिया करो. कहने के बाद क्या पहले दिया करो. मैं भी ऊपर के लेवल से उनसे बात करवाऊंगा. ओके चलें जी, बैठे बैठे आगे चलें. शरीफ बंदे मान जाएंगे. अच्छा अब आप निकाल लें पेज नंबर, माय डियर माय भालू, पेज नंबर 96 निकाल लें. ये 95 है, 95 निकाल लें. अच्छा एक मिनट, ये बात यहां लिखी हुई थी, ये सवाल का जहां सोल्यूशन है ना, ये बात यहां लिखी हुई है. इफ इन अबव केस इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर इज हायर देन, then actual interest will be allowed as expense. अगर benchmark rate से भी आप ज्यादा पे कर रहे हैं, यानी 10% या 12%, तो फिर माइनस भी कितने परसेंट होगा? 12%. ये कौन सा पेज है? पॉइंट 12 है, जिसपे 95 पे आ जाए साथ वाले को लेके. चल लो, ये नहीं भाई तशरीफ ले चलें. वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या पेश किया है? घर 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 घर. वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन, बातें होगी. चलिए आप इधर टेंटे हो. वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन, एग्जाम्पल नंबर वन, एक एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक सैलरी है 1,00,000 पर मंथ. जो मैं मिटा रहा हूँ वो देख रहे हैं, जो ऊपर सवाल पढ़े हैं, सवाल पढ़े हैं, मेहरबानी आपकी. बेसिक सैलरी है एम्प्लॉय की 1,00,000 पर मंथ. एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद 2 ऑप्शंस. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 ऑप्शंस दिए हैं. मेरे डियर मेरे भालू एम्प्लॉई, तेरा दिल चाहे तो तू घर ले ले. फैक्ट्री प्रेमिसिस के अंदर ही घर है, तू चाहे तो तू घर ले ले. अगर तेरा दिल नहीं मान रहा इस घर में रहने को और घर के अंदर तुझे जिन भूत नजर आ रहे हैं, तो फिर आई विल गिव यू हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 50,000 पर मंथ. फिर मैं तुझे लगा बंदा कैश दे दूंगा हर महीने 50,000. ये जो हमने सैलरी के चैप्टर पे दूसरे सफे पे पढ़ा था. तो या तो तू घर ले ले या तो तू पैसे ले ले. जिगर कुछ तो बता, क्या पसंद करेगा तू? या घर पसंद करेगा या पैसे पसंद करेगा? तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 ऑफर दिए हैं, ठंडे की भी ऑफर कर दी और गर्म की भी ऑफर कर दी. क्या आप ठंडा पीना पसंद करेंगे या गर्म पीना पसंद करेंगे? अब एम्प्लॉय की आगे मर्जी है, जो मर्जी पसंद करे. एम्प्लॉय जो है वो घर गया, घर जाके बीवी बच्चों से मशवरा किया, बीवी को लेके आया, बीवी को घर दिखाया. होम मिनिस्ट्री ने कहा ये वही घर है जो मैट्रिक में मेरे ख्वाब में आया था.
तो वी विल ऑप्ट फॉर होम. ये सारी कहानी सवाल ने नहीं बताई, सवाल ने कंक्लूजन बता दिया, एम्प्लॉई हैज ऑप्टेड फॉर होम. सवाल में नतीजा लिखा हुआ है कि एम्प्लॉई ने आखिर में मुंह से फिक्रा निकाला है कि मैं क्या पसंद करूंगा, घर पसंद करूंगा. मुझे कायदे आजम के लगे बंदे नोट नहीं चाहिए हर महीने 50,000, मैं तो घर पसंद करूंगा. कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम. ये घर हमेशा के लिए गिफ्ट कर दिया गया है या नौकरी करने के लिए दिया गया, प्रोवाइडेड है ना जी. बेसिक सैलरी 1,00,000, जरा 12,000 के लेटर के बगैर बताएं कितना आ रहा है. यहाँ रखीर कर देते हैं आप लोग, 12,00,000. दूसरा बेनिफिट क्या है? अकोमोडेशन प्रोवाइडेड. अच्छा ये ना हायर ऑफ होगा, हायर ऑफ होगा 45% ऑफ बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी है 12,00,000, 12,00,000 जरा 45%, 5,40,000 या अमाउंट डेट वुड. ये कैसे आप बोल रहे हो वुड हैव बीन पेड, कैसे पता है? नहीं यानी कि वुड हैव बीन पेड का लफ्ज आपको कहां से पता चला, किसने बताया है? नीचे सॉल्यूशन देख रहे हैं आप? नहीं, वुड हैव बीन पेड जिसने बोला है मेरा उससे सवाल है, उसने कहां से पढ़ के बोला है? सॉल्यूशन से पढ़ के बोला है. इनको छोड़ें आप लोग. अमाउंट डेट वुड हैव बीन पेड, वो पैसे दिए जाते, वो पैसे जो दिए जाते, अमाउंट डेट वुड हैव बीन पेड हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड. अगर घर ना दिया जाता तो कितने पैसे दिए जाते? 50,000 जरब 12 इज इक्वल टू 6,00,000. अब बता दें इन दोनों में से हायर कौन सा है? 6,00,000. तो सैलरी में कितना ऐड करेंगे? 6,00,000. सो व्हाट इज माय सैलरी इनकम? 18,00,000. नोट कर लें. चलें जी नोट करें. इसे थोड़ा सा भाई के साथ मेरा मजाक है इसलिए इनके सवाल का मैं जवाब दे दूं. भाई ने कहा है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें जो हायर ऑफ और लोअर ऑफ होता है उनमें से यानी दोनों फिगर्स को शो करके फिर हायर को बाहर लिखना होता है. तो देखें पेपर के लिए जो क्लासें होंगी ना वो अलग हैं. अभी जो क्लासें हो रही हैं ना हम शुगर लगा रहे हैं. पेपर के लिए क्लासें सितंबर के जगह सितंबर से मैं शुरू करूंगा, उसमें फिर मैं पेपर के लिए बताऊंगा क्या करना है. अच्छा कुछ बहुत सादा होते हैं उन्हें बात समझ नहीं आती, जो मैंने बात की है वो इग्नोर कर दें, इस पैटर्न पे पेपर में सॉल्व होगा. कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, कुछ किताब में नोट किए हुए को हाईलाइट कर रहे हैं. जो किताब में नोट किए को हाईलाइट कर रहे हैं इनको 95 तोपों की सलामी. यार हद हो गई, दिल करते आए ही ना बंदा. ओके फर्स्ट रो में जो थर्ड भाई हैं मेरा नहीं ख्याल वो नोट कर रहे हैं, और अगर नोट कर लिया तो हाथ खड़ा कर दें. अब इन्होंने मुस्कुरा के साथ वाले से बात की है, रेड बॉल पॉइंट खोला है और नोट करना शुरू किया. इनकी अजमत को सलाम. ग्रीन शर्ट बातें ना करें वली से, मुझे लगता है आप दोस्ती लगा रहे हैं. पिछले 3-4 लेक्चर आपने समझने हैं, इनसे मुश्किल हो जाएगा इनके लिए समझाना आपको. ओके जो हजरात ये चाहते हैं कि हाइब्रिड क्लास में बैठे हुए हैं और इनका नाम दोहराने क्लास लिया जाए, वो अपना नाम लिख के मुझे पर्ची में दे दें और एक दो दफ़ा और बताएं ताकि मैं याद कर लूं, फिर इंशाल्लाह मैं इनका नाम भी लूंगा. और जो ऑनलाइन वाले चाहते हैं इनका नाम लिया जाए क्लास में, वो जूम मीटिंग में अपना 3-4 दफ़ा नाम बताएं. ओके चलें जी. तो असूल क्या है जी? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑफ़र करे, ऑफ़र नंबर 1, या घर ले लो या पैसे ले लो, जो तुम पसंद करो वो ले लो, या घर ले लो या पैसे ले लो, और एम्प्लॉई कहे मैंने घर लेना है, तो इसे कहा जाएगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड किया है? अकोमोडेशन. तो अब रूल क्या बनेगा? हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता. अच्छा अगर एम्प्लॉय कहते हैं मुझे हाउस रेंट अलाउंस दे दो, एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर अलाउंस अगर लिखा होता, फिर तो ये वाला पॉइंट जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं 12, ये तो लगेगा ही नहीं. फिर तो एम्प्लॉय ने घर पसंद ही नहीं किया. फिर ऐसी सूरत में वो जो दूसरे सफे पे रूल लगा था हाउस रेंट अलाउंस, बस उसको पकड़ के सैलरी में क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा. ओके द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल बी हायर ऑफ. तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन शैल बी हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट?
45% 45% ऑफ द बेसिक सैलरी, 45% ऑफ द, दरमियान में एक बात लिखी हुई है अभी उसे छोड़ दें, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, वो पैसे जो दिए जाते अगर एम्प्लॉयर इसको घर ना देता, वो कितने पैसे थे? 50,000. दोनों में से क्या ऐड किया जाएगा? हायर ऑफ. अगला सवाल करें जी, एग्जाम्पल टू, पेज 95. सफे क्यों पलट रहे हैं? पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी. बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज 1,00,000 पर मंथ. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया और एम्प्लॉय को बुला के कहा, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद अ होम, मैं तुम्हें घर दे रहा हूं. फिर एक बंदे ने सफा पलटा है, ओ भाई जान रिक्वायरमेंट आ गई है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, के सोल्यूशन के लिए सफा पलट रहे हैं. कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, चलें जी टैक्सेबल इनकम इसकी निकालते हैं. बेसिक सैलरी और बता दो भालू, 1,00,012 कितनी हो गई? कमाल हो गई. और क्या है? अकोमोडेशन प्रोवाइडेड 12,45%, 5,00,000 टोटल. ये बातें करें कोई, एक मिनट ज़रा चुप करें, कौन चुप, एक मिनट चुप हो जाए सर, चुप कर गए, चलें ठीक है. आप बताएं टोटल, टोटल 1740000. अच्छा एक नोट आपने पेपर से पहले जमा कराने होते हैं, वो पर पेपर 3,000 है 4,000 है? 3,000. अच्छा एक नोट आपने पेपर में देना है, वो नोट मैं अपनी तरफ से बनवाने लगा हूँ आपको, वो ये वाला नोट है. वो ये नोट है कि आपने पेपर में लिख के आने, ये बाजू शाजू ऊपर करके ना आपने चढ़ा के, आपने लिख के आने एज अ जनरल रूल हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड इज एडेड इन सैलरी. बट माई डियर भालू एग्जामिनर, यू हैव नॉट गिवन मी द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड. So we two or three sitting together have decided that we will only add 45% of basic salary. अब मैं आगे क्या लिखूंगा? As later one is not given, तुमने मुझे बीच सड़क पे लाके छोड़ा है और मुझे later one amount given नहीं की. So I am adding, या we are adding, I am adding, paper गले गले देते हैं ना. So I am adding only 45% of बेसिक सैलरी. अब आगे ज्यादा साइंसदान नहीं बना के फुल स्टॉप के बाद फिर आगे लगे हूं. However, if you would have given me the amount that would have been paid, then I would have compared the 45% of basic salary with the amount which would have been paid, and then I would have added the higher one. However, the later one is not given, so my baat is still there. ये तो मुझे बताना पड़ता है, हजरात नोट कर लें क्या मतलब बुक में लिखा हुआ है. मुझे पता है जितने घर जाके तुम लोगों ने ये सवाल करने हैं, घर जाके इन सवालों को लिफ्ट नहीं कराते हो, इधर भी नहीं करते, करो जल्दी. ये बोतल किसकी है? किसी टीचर की है? अच्छा जग सिस्टम खत्म हो गया, बढ़िया. आप कर ले नोट, मैं पी लूं पानी. नजर नहीं आ रहा भाई, ये लो मुझे बता दिया करो. फर्स्ट रो में सेकंड नंबर पे जो भाई बैठे हैं, इन्होंने ये इंग्लिश का फिक्रा नोट किया है, ब्लू शर्ट जरा हाथ खड़ा करके बताएं. अगर नोट किया तो ऐसे करें, ब्लू शर्ट नोट किया है? अच्छा अब साथ वाले भालू से पूछें आगे चलें.
भालू तो प्यार से बोलते हैं ना। पैंडा, पैंडा तो पठान लोग किसी और चीज को कहते हैं। एग्जाम्पल थ्री, एन एम्प्लॉय, एक मिनट जरा बोलने की आवाजें आ रही हैं, चुप करें जरा, सारे देखें कौन बोल रहे हैं। एन एम्प्लॉय इज पेड अ बेसिक सैलरी ऑफ 90,000 पर मंथ। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है? 90,000 पर मंथ। एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयज आई जा रहे हैं और हम उनका टैक्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय विद अ फर्निश्ड हाउस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा है, भाईजन घर ले लो जिसमें फर्नीचर भी होगा, तू जिगर है भालू है अपना, जा इस घर में रह। द हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर का ये घर नहीं है। जाहिर बात है एम्प्लॉयर का घर नहीं होगा, एम्प्लॉयर ने किसी का घर इसको लेकर दे दिया होगा और फेयर मार्केट कराया घर का 32,000 पर मंथ है। ओके, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजन हर महीने 15,000 रुपए मैं आपको दूंगा, आप झोंपड़ी में रहो महल में रहो आपकी मर्जी। इसका हमने क्या नाम रखा था? हाउस रेंट अलाउंस। इसका हमने क्या नाम रखा था? हाउस रेंट अलाउंस। ये सीधा सीधा इनकम में ऐड हो जाता था। ये दूसरे सफे पे पढ़ा था चैप्टर के, इसमें हायर के चक्कर में नहीं पड़ते थे। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि भाईजन मैं आपको हाउस रेंट रीइंबर्स कर दिया करूंगा। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय किसी मालिक के मकान के पास जाएगा और मालिक के मकान से जाके घर किराए पे लेगा और मालिक के मकान को 15,000 रुपया किराया पे करेगा। उस घर का मालिक के मकान इसको बदले में एक रसीद देगा, रसीद, हाँ मैंने तेरे से 15,000 ले लिया। एम्प्लॉय ये रसीद लेकर एम्प्लॉयर के पास जाएगा और एम्प्लॉयर को कहेगा मोहतरम मेरे मालिक आप मुझे 15,000 रुपए रीइंबर्स कर दें, आप मुझे 15,000 रुपए रीइंबर्स कर दें। इस अरेंजमेंट पे आज वाली प्रोविजन ही लगेगी, हायर ऑफ शायर ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसको हमने नाम रखा था रीइंबर्समेंट, और ये रीइंबर्समेंट भी पूरी की पूरी सैलरी इनकम में क्या होगी? ऐड होगी। क्लियर? ओके, आज बिल्कुल एक नई बात हम पढ़े हैं। तीसरी बात वो ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या लेके दिया हुआ है? घर लेके दिया हुआ है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर लेके दे तो मोहतरम ऐसी सूरत के अंदर जो है वो एम्प्लॉयर किसी मालिक के मकान के पास जाएगा, इसे कहेगा ये पकड़ 17,000 रुपए, एम्प्लॉय को कहेगा भाईजान इस घर में आके रह लो। इसका नाम हमने रखा है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, इसका नाम रखे। और जब ये वाला सिनेरियो बनेगा तो हायर ऑफ के चक्कर में पड़ना है। तो हाउस रेंट अलाउंस में सीधी सीधी अमाउंट ऐड कर देनी है, रीइंबर्समेंट के चक्कर में सीधी सीधी अमाउंट ऐड कर देनी है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर अरेंज करा के दे दे तो इसे कहा जाएगा अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को बिल शिल कोई नहीं, रसीद शीद कोई नहीं मांगी जाएगी, बराह रास्त एम्प्लॉयर मालिक के मकान को किराया पे कर रहा होगा। इसको अरेंजमेंट को किराया शराय का अरेंजमेंट नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या अरेंज करके दिया है? घर। और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड वाला रूल लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? यार ऊंग प्रॉपर आपको ऐसे ऐसे नींद पूरी करके आया करें, ये आपका अपने वालदैन के ऊपर एहसान होगा जी। फोन बज रहे हैं आपका, मुझे जमा कराएं। अच्छा जी, एन एम्प्लॉय इज पेड अ बेसिक सैलरी ऑफ 90,000 पर मंथ। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है जी? 90,000 पर मंथ, मोबाइल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द एम्प्लॉई विद अ फर्निश्ड हाउस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कौन सा घर दिया है? फर्निश्ड कर दिया है। क्या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफर कराई कि मेरे डियर मेरे भालू या घर ले लो या पैसे ले लो, ऐसी कोई बात की एम्प्लॉयर ने कि घर ले लो या पैसे ले लो? ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या कहा? ये ले घर ले ले बस। द हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कहा ये मेरा घर नहीं है, मैंने किसी से अरेंज करा के दिया हुआ है और उसे मैं महीने का किराया 32,000 दे रहा हूँ, यानी फेयर मार्केट रेंट 32,000 है। ये एम्प्लॉयर किसको पे कर रहा होगा? ओनर ऑफ हाउस को। अब ऐसी सूरत में अगेन वही मसला आ गया कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये नहीं कहा कि घर ना लो इतने पैसे ले लो, ऐसी ऑफर की नहीं एम्प्लॉयर ने। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय के पास चॉइस अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉय ने मजबूरन उसी घर में रहना है। तो ऐसी सूरत में भी अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड सवाल में मिसिंग है। ऐसी सूरत में भी अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड सवाल में मिसिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि 32,000 इज अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफर ही नहीं कराई, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जबरदस्ती क्या लेके दिया है? घर लेके दिए। लेकिन ऐसी सूरत में बहालत है मजबूरी, अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड गिवन नहीं है, तो चलो फेयर मार्केट कराया तो गिवन है ना घर का, तो उसी को हम गुजारे के तौर पे चला लिया करेंगे। तो बेसिक सैलरी 90,000 जरा 12,
1080000 अकोमोडेशन प्रोवाइडेड हायर ऑफ 45% ऑफ 1080000 जी 486000 या फेयर मार्केट रेंट जी 32,000 जरा 12 384000 दोनों में से हायर 486000 नोट कर ले बताना पड़ता है डबल अंडरलाइन जब मेरी तरफ से लग जाए तो फिर आपकी तरफ से लाइनें लगनी शुरू हो जानी चाहिए इट इज इंप्लाइड बोली अब रो के आखिर में देखो कैसे फोन पे बातें हो रही हैं नहीं 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 अपनी रो के आखिर में देखना था अपनी रो के साथ से साथ वाला अब उसने रख दिया फोन होगी ये बात ओके चलें जी अच्छा ये जो अकोमोडेशन है ना इसमें फर्निश अनफर्निश से कोई फर्क नहीं पड़ता द अकोमोडेशन कैन बी इधर फर्निश्ड विद फर्नीचर और नॉन फर्निश्ड विदाउट फर्नीचर देयर इज नो ट्रीटमेंट डिफरेंस इन ट्रीटमेंट इसलिए फर्निश अनफर्निश से कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा भाई ये बात पढ़ लें आप नोट फॉर स्टूडेंट्स आप तो उस्ताद हैं अगर अमाउंट डेट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड इज नॉट गिवन इन एग्जाम then we will compare 45% of basic salary with the fair market rental of if it is given agar fair market rent given hai example 2 mein to wo bhi given nahi tha to udhar to bahalat hai majboori humne 45% of basic salary add kar diya tha lekin example 3 mein kam se kam kya given tha to isliye fair market rent se compare kar diya humne kisko 45% of on dono mein se kya add kar diya higher okay ab ye jo main green mein highlight kar raha hu ये हमारा पढ़ने वाला रह गया मिनिमम ऑफ टाइम स्केल एक एम्प्लॉय ने नौकरी शुरू की तो एम्प्लॉयर ने कहा भाईजन आपकी तनख्वाह 50,000 है हर साल 5,000 तनख्वाह बढ़ेगी लेकिन 60,000 के बाद आपकी तनख्वाह बढ़नी बंद हो जाएगी मिसाल के तौर पर कोई ग्रेड 16 का ऑफिसर है तो जो ग्रेड 16 का ऑफिसर है उसे यह कहा कि भाईजन आपकी तनख्वाह 50,000 है हुकूमत का एम्प्लॉय है हर महीने हर साल आपकी तनख्वाह 5,000 बढ़ेगी लेकिन 60,000 के बाद बढ़नी बंद हो जाएगी अब वो अगर ग्रेड 17 में नहीं जाता अपनी सुस्ती की वजह से तो पहले साल उसको कितनी तनख्वाह मिलेगी 50,000 अगले साल 55,000 उससे अगले साल 60,000 लेकिन अब 60,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिलेगी 60,000 पे कैप लग जाएगी अच्छा मुझे बताएं वो मिनिमम तनख्वाह जिसपे इसने ज्वाइन किया था वो मिनिमम तनख्वाह बताएं जिसपे इसने ज्वाइन किया था 50,000 अच्छा अगर मैं 16 में खड़े होकर आपसे ये सवाल पूछूं कि 16 में कितने घर लेके जा रहा है ये नहीं 16 में खड़े होकर आपसे ये पूछूं कि इसने कितने पे ज्वाइन किया था 50,000 और 16 में खड़े होकर मैं आप 17 में खड़े होकर ये पूछूं इसने मिनिमम कितने पे ज्वाइन किया था 50,000 और 18 में भी खड़े होकर मैं आपसे पूछूं इसने कितने पे मिनिमम ज्वाइन किया था 50,000 तो वो मिनिमम तनख्वाह मिनिमम ऑफ टाइम स्केल एक अजीब सा लफ्ज है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल वो अमाउंट होती है जिसपे इसने ज्वाइन किया था अब ये जो आपने 45% वाली कैलकुलेशन करनी है ना ये किसी भी साल अगर करनी पड़ जाए ना तो ये आपने इसके ऊपर करनी है किसके ऊपर 50,000 वाली अमाउंट पे यानी मिनिमम टाइम स्केल पे हालांकि हम तो पढ़ के आए हैं बेसिक सैलरी का लेना है लेकिन जिस सवाल में खुदा ना खास्ता मिनिमम ऑफ टाइम स्केल दे दे तो उसमें मिनिमम ऑफ टाइम स्केल को लीजिएगा ये मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का कॉन्सेप्ट पिछले 25 साल से आईकैप ने टेस्ट नहीं किया और ना कोई टेस्ट करने का चांस है ये कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रूल होता है कि वो मिनिमम स्केल पे ज्वाइन करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तनख्वाह बढ़ती रहती है जनरल रूल यही है पेपर में आपने बेसिक सैलरी का 45% लेना है लेकिन खुदा ना खास्ता पेपर में बेसिक सैलरी भी दे दे और मिनिमम टाइम स्केल भी दे दे तो ऐसी सूरत में आपने किसके ऊपर 45% लगाने मिनिमम टाइम स्केल के ऊपर नोट कर लें
भाई तो अब रिलैक्स कर रहा है, चलो ठीक है करो करो कोई मसला नहीं, नोट करना था मैंने कहा तुझे साथ साथ नोट करे थे। हाँ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, बस रिटर्न से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपको पेपर में मिनिमम टाइम स्केल की अमाउंट दे दे तो आप बेसिक सैलरी का 45 ना लेना, मिनिमम टाइम स्केल का ले लेना। तैयार होकर आना जरूरी है, तैयारी करके आना जरूरी है। चलो ठीक है दोनों, लेकिन पहले में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए तो चलेगा, लेकिन दूसरे में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तैयारी करके आया करें जरा रोजाना साथ साथ, ठीक है ना भाई? आप तो माशाल्लाह दोनों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि तैयार होकर आना इतना जरूरी नहीं है जितना तैयारी करके आना जरूरी है। अच्छा पेपर तो कुछ ऐसे कुछ लोगों के बाल तक उड़े होते हैं पेपर देने आए होते हैं, सोए उठ के आ गए हैं, होते हैं सर कुछ बच्चे ऐसे नजर आते हैं आपको पेपर देते हुए 2 दिन से सोए नहीं जैसे? ओके अच्छा नींद अपनी पूरी रखा करें फ्रेश माइंड के साथ, थोड़ा पड़ा हुआ भी ज्यादा पड़े हुए पे भारी हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि नींद ही पूरी करते रह करें। 6 घंटे ज़्यादा हो तो 7 घंटे सो लें, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें आपको कुछ कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी, सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी। कभी घर वाले कहीं जा रहे होंगे, आप कहें कोई नहीं पीछे मैं अकेला घर में बैठ के सीए करूँगा कोई मसला नहीं, तो आपको बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। कभी कुछ दोस्त कह रहे होंगे कहीं जाना है, चलो यार अभी तो क्लासें शुरू हुई हैं, अभी तो 2-3 महीने पड़े हैं, आप उससे कहो ये 2-3 महीने मुझे पता है आखिरी दिनों में जब बिजनेस लॉसेस सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल शुरू होने हैं तो इन चैप्टर्स को लिफ्ट कराने का टाइम नहीं मिलना, तो इसलिए ये चैप्टर मुझे साथ साथ याद करने दो खुदा के लिए, तुमने जाने तो जाओ मेरे लिए पैक करा के ले आना। ओके तो पढ़े जी आप क्या करना है, 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी का मिनिमम टाइम स्केल, ये अंग्रेजी देखिएगा, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ MTS of basic salary, MTS of basic salary, MTS of basic salary, MTS of basic salary, यानी लेना MTS का है। और अगर खुदा ना खास्ता MTS वगैरह पेपर में गिवन ही नहीं है तो फिर आप बेसिक सैलरी का ले लें और द बेसिक सैलरी, तो ये कुछ इस तरह बनेगा 45% ऑफ The MTS of basic salary, option 1, और अगर ये नहीं है तो the basic salary, तो फिर आप basic salary का 45% ले लें। अच्छा अब ये ना एक अजीब सी और गैर जरूरी बात है, आईकैप को किताब में डालनी भी नहीं चाहिए थी, बहरहाल आईकैप ने किताब में डाल दिया तो मैंने सोचा मैं आपको भी पढ़ा दूं, आप भी एक लोगों को बता दीजिएगा। गवर्नमेंट ने कुछ इलाके ऐसे रखे हुए हैं जहां पे गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को कहा हुआ है कि हम आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया करेंगे 30% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी अगर आपकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है तो हम आपको 30,000 हाउस रेंट अलाउंस देंगे, आपकी मर्जी है ये हाउस रेंट अलाउंस ले लो या घर ले लो। और अगर किसी बंदे की 2 लाख तनख्वाह है तो 2 लाख का 30% 60,000, हुकूमत कहती है 2 लाख तनख्वाह आपको देंगे बेसिक सैलरी, इसके साथ अगर आपको पसंद है तो 60,000 रुपया हाउस रेंट अलाउंस ले लो या अगर आपका दिल ना चाहे तो आप घर ले लो। इसी तरह एक अगला एम्प्लॉई है उसकी तनख्वाह 3 लाख रुपया है, 3 लाख का 30% 90,000, तो गवर्नमेंट ने उसको कहा अगर आपका दिल चाहे तो 3 लाख के साथ 90,000 हाउस रेंट अलाउंस ले लो, अगर दिल नहीं चाहता तो फिर आप घर ले लो आपकी मर्जी है। तो यानी कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट 30% हाउस रेंट अलाउंस की ऑप्शन दी हुई है। ये लोग अब अगर हाउस रेंट अलाउंस ना लें तो क्या पसंद करेंगे, घर। अब जब घर पसंद करेंगे तो अमाउंट डेट वुड हैव बीन पेड 30% हो जाएगी और कंपेयर करना पड़ेगा 45% ऑफ बेसिक सैलरी से, तो इनको थोड़ा सा परेशानी होती थी यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, 45% हमेशा ही ज्यादा आएगी, तो इन्होंने हुकूमत को रिक्वेस्ट की तो हुकूमत ने फिर इनको ऑफर कर दी कि जिन लोगों को हम 30% हाउस रेंट अलाउंस ऑफर कर रहे हैं उनके लिए लॉ का रूल बदल गया, उनके लिए ये रूल है कि वो 45% ऑफ बेसिक सैलरी नहीं लेंगे, वो क्या लेंगे 30% ऑफ
बेसिक सैलरी, और आप देखें फिर दोनों अमाउंट्स क्या हायर का चक्कर ही नहीं रहेगा, दोनों अमाउंट्स बराबर आ जाएंगी। कैसे बराबर आएंगी? हुकूमत ने एक बंदे को कहा या तुम लाख रुपए के साथ 30,000 हाउस रेंट अलाउंस ले लो या घर ले लो। इसने कहा मुझे घर पसंद है, तो अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड कितनी हो गई 30,000। और अब मैंने कहा लाख का 45% नहीं लेना, लाख का कितने परसेंट लेने 30%, तो वो भी कितना आ गया 30,000। तो 30,000 बराबर आ गया, इनमें से जो हायर है वो 30,000 ही हुआ, तो 30,000 को हम सिंपल ऐड कर देंगे। और अगर ये रूल इनके लिए ना बदलता तो फिर कितना ऐड होता है 30,000 या 45,000। तो थोड़ा सा इनको रिलैक्स किया है गवर्नमेंट ने, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। तो जिन लोगों को हुकूमत ने लाख रुपए पे 30% हाउस रेंट अलाउंस ऑफर कर दिया है और वो इसकी बजाय घर लेना पसंद करें, तो इन लोगों के लिए रूल है कि इनको 45% की बजाय अमाउंट क्या ली जाएगी 30% ऑफ बेसिक सैलरी। नोट फॉर स्टूडेंट, इट इज नॉट जनरल रूल, ये जो भी मैं बात पढ़ा लेता हूं जनरल रूल कोई नहीं है, पेपर में आने का कोई चांस नहीं है। इट इज एप्लीकेबल फॉर सर्टन इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली रेफर्स टू इट, अगर सवाल वाजे तौर पे कह दे। अब ये बेनिफिट क्या है ये सुन लें, वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज अलाउड एट 30%, वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज अलाउड एट, जिन लोगों को हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है 30%, देन इन अबव प्रोविजन 45 विल बी रिप्लेस्ड विद 30। तो फिर आप 30% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे इंस्टेड ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके इधर आ जाए, ये एम्प्लॉय का घर है और एम्प्लॉय अपने घर में रह रहा है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया, एक नई बात बताने लगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया और एम्प्लॉयर से जाके कहा मोहतरम घर आपकी तरफ से। एम्प्लॉयर ने कहा भाईजान क्या हो गया यार, चाय शायद मेरी तरफ से हो जाए, कुछ खाना मेरी तरफ से हो जाए, कुछ ज्यादा तो बुफे में तुम्हें करा देता हूँ, लेकिन घर मेरी तरफ से क्या लूट मची है घर मेरी तरफ से? नहीं सर, घर आपकी तरफ से होना चाहिए। अब एम्प्लॉय की बातों में इतनी मिठास थी कि एम्प्लॉयर का दिल मोम हो गया। तो एम्प्लॉयर ने कहा चल ठीक है यार, घर घर मेरी तरफ से, और क्या याद करेगा तू, घर मेरी तरफ से। एम्प्लॉयर ने कहा लेके तो चल, तू रह किधर है? एम्प्लॉय ने कहा सर मैं इधर रह रहा हूँ। तो एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा चल ठीक है, सामान निकाल। एम्प्लॉय ने इधर से दीवार तोड़ी, जल्दी 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 सामान, बीवी बच्चे सब निकाल, ये फुटपाथ के ऊपर सारी लाइन लगी सामान की, एम्प्लॉय खड़ा, बीवी खड़ी, बच्चे खड़े, सामान पेटियां सब। अब ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर ने कहा चल यार ठीक है, अब तू इस किस खुशी में फुटपाथ आया? कहते मैं इस खुशी में फुटपाथ पर आके खड़ा हो गया हूँ कि अब आप मुझे घर देंगे। तो एम्प्लॉयर ने कहा ये घर तो खाली हो गया। तो एम्प्लॉय ने कहा हाँ देख लेते हैं आप इस घर का क्या करना है, मैं सोच रहा था किराए पे दे दूँ। तो एम्प्लॉयर ने कहा मुझे दे दे किराए पे, मुझे दे। उसने कहा हाँ ठीक है कोई नहीं सर आप ले लें किराए पे, इसमें क्या मसला है, मुझे तो किराया चाहिए घर का, खाली होगा क्या करना है, तो आप ले लें घर किराए पे अगर आपने लेना है। तो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है ये मेरा घर है आ जाओ अब, मैंने तुम्हें घर दे दी, मैंने तुम्हें घर दे दिया। अब कमिश्नर इधर खड़े होकर सोच रहे कि ये हुआ क्या है, इसके अथरू टप 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 अथरू नीचे गिर रहे हैं आप तक आ जाएंगे। तो कमिश्नर खड़े होकर सोच रहे हुआ क्या, किसकी इनकम में क्या ऐड करूं और ये गेम क्या हो रही है। कमिश्नर ने कहा दोबारा बताओ तुम लोगों ने किया क्या। इन्होंने कहा हाँ हम बताते हैं, एम्प्लॉई घर में रह रहा था, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से जाके कहा मुझे घर ले दो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा इस घर से निकलो मैं तुम्हें इंशाल्लाह घर दूंगा, मियां का लफ्ज़ नहीं बोला, मैं तुम्हें इंशाल्लाह घर दूंगा। तो एम्प्लॉयर ने इनको इधर बुला लिया, ये घर खाली हो गया, ये घर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को किस पे दे दिया, किराए पे दे दिया। अब एम्प्लॉयर घर का किराया पे कर रहा होगा एम्प्लॉय को, और दोबारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहेगा इसी घर में आके वापस रह लो। अब इसका डबल बेनिफिट होगा, दो बेनिफिट होंगे, एक तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने घर दिया हुआ, और दूसरा हालांकि याद रखिएगा जब एम्प्लॉयर किराया दे रहे तो रहने का हक एम्प्लॉयर को है, एम्प्लॉय को नहीं है। तो इसका डबल बेनिफिट होगा, नंबर वन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर भी दे रहे और दूसरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेंट भी दे रहे। तो ऐसी सूरत में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट ऐड होगा, और क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड होगा। पढ़ लें फिर इसका न्यूमेरिकल करते हैं। पेज नंबर 97, जल्दी जल्दी आ जाएं, बस एक आज की आखिरी बात। अगर एम्प्लॉई या उसकी बीवी ऑन द हाउस, अगर एम्प्लॉई या उसकी बीवी के पास क्या है विच इज गिवन ऑन रेंट टू द एम्प्लॉयर, और वो किराए पे किसको दे दिया एम्प्लॉयर को, एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द सेम हाउस, एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द सेम हाउस बैक टू एम्प्लॉई,
और एम्प्लॉयर ने यह घर किसको वापस कर दिया, बैक टू एम्प्लॉई एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तुम रहो, मैं तुमसे रेंट नहीं लूंगा। जाहिर बात है एम्प्लॉयर ने तो रेंट नहीं लेना, एम्प्लॉयर ने तो उसको घर देने की जिम्मेदारी ली हुई थी ना। देन इट विल हैव डबल इफेक्ट, इसका डबल इफेक्ट होगा, जो किराया एम्प्लॉय को मिल रहा होगा वो इसकी इनकम और प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी के चैप्टर में रूल था एक्चुअल किराया या फेयर मार्केट किराया, विच एवर इज हायर, वो रूल यहां नहीं लगेगा। सिर्फ एक्चुअल किराया इनकम प्रॉपर्टी में ऐड होगा, एक्चुअल किराया इनकम प्रॉपर्टी में ऐड होगा, हायर ऐड नहीं होगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है, सो इट विल बी अ बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ घर। सो 45% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी एडेड अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी के हेड में कितना ऐड कर दिया जाएगा, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। इधर भी हायर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड और 45% ऑफ बेसिक सैलरी, इधर भी हायर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। सवाल नोट कर लें, सॉल्यूशन नोट कर लें, सॉल्यूशन देख लें पहले सब। एम्प्लॉई हैज अ हाउस विच इज गिवन मंथली रेंट ऑफ ₹40,000 टू एम्प्लॉयर। घर किसके, एम्प्लॉई को, किराए पे किसको दे दिया, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड सेम हाउस बैक टू एम्प्लॉई। बेसिक सैलरी कितनी एम्प्लॉय की, तो बेसिक सैलरी 1,12,000, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया हुआ हैज प्रोवाइड हाउस, तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी। इनकम प्रॉपर्टी में क्या ऐड होगा, एम्प्लॉय को कितना किराया आ रहा है, 40,012, 480, और रिपेयर अलाउंस माइनस हो जाएगा 1/5, वो तो होता ही है ना। और इन द एंड ये इसकी अभी से ज्यादा डालें, पूरा पूरा लिखा करें, फिर पेपर में मसला होगा, पेपर में भी IFS लिख के आ रहे होंगे। मैंने तो CA कर लिया, मैं इसलिए लिख देता हूँ, आप पूरा लिखा करें, इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी। नीचे वाला नजर नहीं आ रहा, मैं ऊपर करता हूं। ओके, पॉइंट 13 सॉल्यूशन देखना है। ओके जी, पॉइंट 13 ये कहता है
पॉइंट 13 बड़ा मजे का पॉइंट है। पॉइंट 13 ये कहता है, बातें होगी इधर देखिए, पॉइंट 13 ये कहता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोनस दिया उसकी ट्रीटमेंट हमने बता दी, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को ओवर टाइम दिया उसकी ट्रीटमेंट बता दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया उसकी ट्रीटमेंट बता दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ओवन दिया उसकी ट्रीटमेंट बता दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है वो गाड़ी दी उसकी ट्रीटमेंट बता दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑब्लिगेशन माफ कर दी उसकी ट्रीटमेंट बता दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया उसकी ट्रीटमेंट हमने बता दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दे दिया उसकी ट्रीटमेंट बता दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्रिज दे दिया उसकी ट्रीटमेंट कह रहे। इतना सारा कुछ बताने के बाद अगर कुछ मैं भूल गया हूं और वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे तो उसके लिए रूल सुन लें। पॉइंट 13, वेयर एन एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ फायदा विच इज नॉट कवर्ड अबव, कहते हैं मैं इंसान हूं हो सकता है कोई फायदा भूल गया हूं और बाद में पता चले वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो कहते हैं उसको भी सैलरी में डाल दो, द सैलरी शैल इंक्लूड, तो सैलरी में डाल दो, द फेयर वैल्यू ऑफ डेट फायदा लेस अमाउंट पेड बाई एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो वैसे तो जो पॉइंट 11 था ना उसमें ऑलरेडी सारी चीजें कवर्ड हैं, पॉइंट 13 की कोई टुक बन नहीं रही थी, पॉइंट 11 में सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड हैं, ऐसा ही है ना। पॉइंट 11 में उसने लिख दिया था ना कोई भी प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे या कोई भी सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे तो यही चीजें हो सकती हैं और क्या हो सकता है। बहरहाल उसने कह दिया कोई भी फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे तो वो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर विल बी एडेड इन सैलरी। आ जाए पास पेपर्स की तरफ, कितना आप इंजॉय करते हैं यानी साथ साथ पास पेपर हो रहे हैं यार, ये लेवल है आप लोगों का, ये आपने हजारों साल से जो नरगिस रो रही है इसको चुप कराना है, अपनी बेनूरी पे रो रही है। ओके पेज 114, पेज 114, मुनीर नहीं होता था वो तो रिजाइन कर दिया उसने, ओए होए होए फ्रॉम हिज नौकरी, अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करता था ठोकर पे, तो 31 नवंबर 2014 को उसने रिजाइन कर दिया। कितने महीने नौकरी की, हमारे साल 6 महीने, शुक्र है। अभी भी अगर कोई 12 महीने वाले हैं तो बस चुप कर जाया करें आप, आइंदा से शायद बेटर ना करें। ही रिसीव फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट, उसने फाइनल सेटलमेंट के तौर पे फॉलोइंग अमाउंट्स रिसीव की, 1.5 लाख एज लीव इनकैशमेंट, भाई लीव इनकैशमेंट को हमने नाम रखा था लीव पे या पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, तो ये सिंपल सैलरी में ऐड होगी बस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दे रहा है। गोल्डन हैंडशेक के पैसे कितने हैं, 4 मिलियन। महीने की तनख्वाह कितनी है, कितने महीने मिली होगी, बड़ा अच्छा एग्जामिनर है खुद बता रहा है। उसकी इनकम और टैक्स लाइबिलिटी पिछले 5 सालों की उसने दे दी आपको ताकि कोई अच्छी एवरेज आप ले लें, पता नहीं ये मेरी बात सही है या गलत है ये तो कल आप सोल्यूशन करके बताएंगे। तो कितने तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे, दो तरीके से, गोल्डन हैंडशेक को एक तो नॉर्मल ट्रीट करेंगे और दूसरा सेपरेट लॉ करेंगे या करवाऊंगा, करेंगे। ओके आप चाह रहे हैं छठो सही हम जान दो कर। क्वेश्चन नंबर इलेवन ब्रीफली एक्सप्लेन, कहते हैं कोई 2 सफ़े का ऐसे नहीं लिख देना, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर रिलेटिंग टू इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज टू इट्स एम्प्लॉय फॉर मैरिज ऑफ हिज डॉटर या हर डॉटर। नहीं क्या मतलब, डॉटर तो डॉटर से मुराद तो बंदी होगा ना, बंदा तो नहीं होगा। अच्छा 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 एम्प्लॉय जो है वो बंदा भी हो सकता है और एम्प्लॉय जो है वो बंदी भी हो सकती है, अगर बंदा है तो हिज डॉटर, अगर बंदी है तो हर डॉटर। क्लियर बताएं, अच्छा ये तो क्लियर हो गया, जवाब बताएं। दो नंबर चीजें ऐसे तो नहीं मिलती, जल्दी जल्दी दो नंबर लेने हैं। अच्छा सवाल आप पढ़े हैं, चले सवाल पढ़ा दूं मैं। इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है यानी लोन पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा एम्प्लॉयर, मैं आपको बताने लगा हूं आपके साथ वाला क्या लिख के आएगा और फिर ये बताऊंगा आप क्या लिख के आएंगे। कीप वॉचिंग, आवाजें आ रही हैं, देख आवाजें आ रही हैं क्लास में, अभी भी आवाजें आ रही हैं। पे 93.7, वेयर अ लोन इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय सैलरी शैल इंक्लूड, वेयर नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉय, तो ये कौन बोल रहा है, 3 दफा मैंने कहा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वेयर नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड बाय एम्प्लॉय, जहां एम्प्लॉय कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, द इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेटेड एट बेंच मार्क रेट शैल बी एडेड इन सैलरी, शैल बी एडेड इन सैलरी, इतना सा आपके साथ लिख के आएगा और आप लिख के आएंगे साथ, हाउ एवर नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी इफ द लोन इज अप टू 10 लाख, सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा अगर लोन कितने तक है, 10 लाख तक है, तो ये बातें लिख के आएंगे। हाँ अगली बात भी लिख सकते हैं लेकिन वो बहुत ही लंबी हो जाएगी, 2 नंबर के लिए इतना काफी है, केवल 10 लाख वाली बात कम से कम लिखा है। जा रहे हैं साथ वाले को लेके जा रहे हैं, वाले को लेके चले गए आज।